नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कौरवों और गंधर्वों के बीच हुए युद्ध के बारे में जानेंगे। साथ ही इस युद्ध में महारथी कर्ण के पराक्रम और किस तरह महारथी कर्ण पराजित हुए और कैसे गंधर्वों ने दुर्योधन और कौरवों को बंदी बनाया, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो फिर चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव गंधर्वों की वाणी द्वारा मना करने पर न रुके, तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से यह सारा समाचार निवेदन किया। यह सुनकर गंधर्व राज चित्रसेन को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे इन दुष्टों का दमन करो। तब राजा चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरव की ओर दौड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध में विमुख हो भागते देखकर भी राधानंदन वीर कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। गंधर्व की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। सूत पुत्र कर्ण ने अपने हाथों की फुर्ती के कारण लोहे के सुरप्र विशिक भल्ल और वत्स दंत नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों के मस्तक काटकर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूत पुत्र कर्ण के द्वारा ज्यों ज्यों गंधर्वों पर मार पड़ने लगे, त्यों ही त्यों वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आकर एकत्रित होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन के अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। तदंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहां आए थे, उन सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों की उस सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके साथ रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गतियों से चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने और गंधर्वों पर बाण बरसाने लगे। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित हो कौरवों के साथ भिड़ गए। उस समय उनमें घमासान युद्ध होने लगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदंतर कौरवों के बाणों से पीड़ित हो गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाते देख कौरव योद्धा जोर जोर से गरजने लगे। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरव पर मोच आ गया। भरत श्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन का एक एक सैनिक 10-10 गंधर्वों के साथ लोहा से लोहा ले रहा था। राजन, तदंतर गंधर्वों की विशाल सेना से पीड़ित हुए सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे भयभीत हो युद्ध से भाग चले। जनमेजय, जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय भी सूत पुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध भूमि में डटा रहा। तब दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये उस समरांगण में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100-100 तथा हजार हजार का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूत पुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार, पट्टी, शूल और गदाओं द्वारा प्रहार आरंभ किया। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काट कर गिरा दी, कुछ लोगों ने ईशा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरों ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने 17, दूसरों ने बरूथ और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजारों थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट दिया। तब सूत पुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। और कई दूर जाने के पश्चात महारथी कर्ण पुनः युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार महारथी कर्ण गंधर्वों से परास्त हुए और युद्ध क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर गए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।